के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। सर, भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी, उसका काम ही है भ्रम फैलाना। इस तरह का वो बयान दिए हैं उनको खेद प्रकट करना ही पड़ेगा, ये साजिश का हिस्सा है। मूर्खा जी के वक्तव्य देश की तमाम उन लोगों के समर्थन में है जो दबंगई के खिलाफ, उस दबंगई प्रवृत्ति के खिलाफ जिन लोगों ने आवाजें उठाई है। इसको लेकर के जाति विशेष के लोग आगे बढ़े हैं तो मैं तो समझता हूँ कि उनका पॉलिटिकल स्टंट है। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, इसमें जो प्रतीक है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूँ, वो ठाकुर मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो, तो उन्होंने तो कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं ठाकुर। तो इस तरह से उनके बयान को 7 दिन के बाद उनका बयान पर शुरू हो गया। 7 दिन के बाद कब भाषण हुआ, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो ये बात तो अभी शुरू हुआ है कल से। ये सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी, उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कन्फ्यूज की करना। मनोज झा जी के वक्तव्य देश की तमाम उन लोगों के समर्थन में है जो दबंगई के खिलाफ, उस दबंगई प्रवृत्ति के खिलाफ जिन लोगों ने आवाजें उठाई है। वो आवाज थी उसके खिलाफ चमन्नी अठन्नी, जिसकी राजनीतिक पूंजी कुछ नहीं है, जिसके कई चीज लूटते हुए उनके आंखों के सामने विधानसभा में दिखा, विधानमंडल में दिखा। वो व्यक्ति सवाल खड़ा करता है किसी के इमेज पे, माफ करना तुम्हारी थोड़ी जो दिखा रहे हो, भाव दिखा रहे हो, भाव तो मरता हुआ दिखा था। जो रक्षा नहीं कर सका अपने सम्मान का, वो व्यक्ति आरोप लगाएगा मनोज झा जी पे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उस मन के ठाकुर की बात उन्होंने की है, न कि जाति विशेष की बात की है। अब रही बात कि इसको लेकर के जाति विशेष के लोग आगे बढ़े हैं तो मैं तो समझता हूँ कि उनका पॉलिटिकल स्टंट है। वो पोलराइजेशन ऑफ द सर्टेन कास्ट की ओर जा रहे हैं, चूंकि चुनाव आ रहा है। तो भाई राजनीति उनको करनी है, राजनीति भजाना है, तो चाहे वो जो कर लें। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि मनोज झा ने कोई गलती नहीं कहा है, वो किसी कवि के कविता को उद्धृत किया है और यही कहा है कि मन के ठाकुर हमारे विकृत हो गए हैं, जिसके चलते आज इतने प्रकार की समस्याएं आ रही है। महिलाओं के प्रति सम्मान हमारा नहीं है, अन्य लोगों के प्रति सम्मान नहीं है, सहिष्णुता समाप्त हो गई है, राष्ट्र का प्रेम भी हम कहीं न कहीं दूसरे रूप में देख रहे हैं। तो वो ठाकुर गड़बड़ा गया है, उस ठाकुर को ठीक करना चाहिए, ये उनका कहना है। इसका मतलब ये नहीं कि जिस ठाकुर जाति विशेष की बात कही गई है उसमें कतई कभी नहीं उनका कहने का इरादा है, और शायद वो इसको स्पष्ट भी कर रहे हैं। जिस तरह का वो बयान दिए हैं उनको खेद प्रकट करना ही पड़ेगा, ये साजिश का हिस्सा है, ये बयान साजिश का हिस्सा है, ये प्री प्लान्ड बयान है। आप कविता पढ़ रहे हो, कविता के बाद कहते हो कि हमारे अंदर के ठाकुर को मारो, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? कहते हैं कि हमारे अंदर के रावण को मारो, राक्षस को मारो, हमारे अंदर के ब्राह्मण को मारो, आप ये कहते हैं?
आप ठाकुर शब्द का इस्तेमाल करके कहीं न कहीं ठाकुरों का अपमान कर रहे हैं। और हम उस ठाकुर की बात कर रहे हैं जब युद्ध हुआ था, तो युद्ध में सर से धड़ हुआ था ठाकुर का, लाश बिछी थी ठाकुर की और विधवाएं हुई थी औरत ठाकुर का, आज देश में कुर्बानी दिया ठाकुर, आप उस ठाकुर शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ठाकुर शब्द तो सिर्फ राजपूत नहीं लगाते, ठाकुर तो हमारे कर्पूरी ठाकुर भी लगाते थे, नाई समाज ठाकुर लगाते हैं, ब्राह्मण समाज भी ठाकुर लिखते हैं अपने आप को, भूमियार समाज ठाकुर लिखते हैं, राजपूत ठाकुर लिखते हैं। तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। जो आप षड्यंत्र कर रहे हैं, ये षड्यंत्र आपका कभी भी सक्सेस नहीं हो